बॉलीवुड, क्या साउथ स्टार। भगवान राम के लिए सबने कर दिए करोड़ों के दान, किसी ने दी चांदी की ईंट तो किसी ने लगा दी जिंदगी भर की कमाई। जो बॉलीवुड कभी करता था सनातन का अपमान, अब करने लगा पूरा बॉलीवुड भगवान राम का गुणगान। अब कोई नंगे पैर जाएगा अयोध्या तो कोई लेकर जाएगा स्पेशल विमान। अमिताभ बच्चन ने तो अभी से खरीद लिया रामनगरी अयोध्या में 15 करोड़ का आशियाना। नहीं पीछे रहे खिलाड़ी कुमार, तो एक बार फिर से छा गए राम भक्त शक्तिमान। रजनीकांत ने भी दिखाया बड़ा दिल, किया जमकर दान। शाहरुख खान ने कर दिया है करोड़ों का दान, सच्चाई जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री राम। जी हाँ, भगवान राम की माया ही अपरंपार है। 22 तारीख को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सनातनियों का सीना 56 इंच का कर दिया है। भगवान राम के नाम पर आज तक जो अपमान करते थे, भगवान राम को मानते नहीं थे, सनातन का अपमान करते थे, अब तो वो भी भगवान राम के नाम पर करोड़ों का दान भेज रहे हैं। खबर सामने आ रही है कि फिल्म जगत से लेकर राजनीतिक जगत में भी और साथ ही साथ पूरे जगत में बल्कि पूरी दुनिया में भी भगवान राम के नाम पर लोग दान भेज रहे हैं। देश भर में लोग इसको लेकर काफी उत्साहित थे। लोगों ने इस शुभ काम में अपनी मदद करते हुए दिल खोलकर दान किया है। बॉलीवुड सितारे भी राम मंदिर के लिए चंदा दान करने में पीछे नहीं है। अक्षय कुमार से लेकर हेमा मालिनी ने दिल खोलकर भगवान राम के लिए मंदिर में दान दिया, तो बॉलीवुड सितारों ने खुद दान करते हुए तस्वीरें भी शेयर की और लोगों से भी दान करने की अपील की। इसमें सबसे पहला नाम है अक्षय कुमार का। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने भी भगवान राम के मंदिर में अपना योगदान दिया है। अक्षय कुमार ने राम मंदिर में पैसे दान किए हैं। हालांकि अक्षय कुमार ने कितना दान किया है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि कम से कम लाखों का दान तो अक्षय कुमार ने किया है। इसको लेकर अक्षय कुमार ने बकायदा वीडियो भी जारी किया है और कहा है कि खुशी की बात है कि अयोध्या में हमारे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, अब योगदान की बारी है, मैंने शुरुआत कर दी है, उम्मीद है आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके बाद नाम आता है बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी का। इन्होंने भी राम मंदिर में दान किया है। हेमा ने लोगों से भी दान करने की अपील की है। हालांकि हेमा ने कितना दान किया है अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं है। वहीं बॉलीवुड एक्टर मनोज जोशी ने भी राम मंदिर में दान दिया है। बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले मनोज जोशी ने इसको लेकर बकायदा वीडियो जारी किया है। उन्होंने भी एक गुप्त दान दिया है और लोगों से कहा है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए। वहीं सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, साउथ के सुपरस्टार भी दिल खोलकर दान दे रहे हैं। साउथ एक्ट्रेस सुरेश ने भी राम मंदिर निर्माण में लाखों रुपए का दान दिया है। परिणीता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो जारी करे बताया है और साथ ही साथ लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की है। वहीं टीवी के शक्तिमान यानी कि महाभारत के भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले टीवी स्टार मुकेश खन्ना ने भी राम मंदिर में 1,11,111 रुपए का दान दिया है। मुकेश खन्ना ने सोशल मीडिया पर इसकी फोटो भी शेयर की है और लोगों से कहा है कि आप भी खुलकर दान दीजिए। वहीं कहा जा रहा है कि शाहरुख खान ने भी मंदिर निर्माण में दान दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के बारे में जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो गलत है। अभी तक शाहरुख खान ने राम मंदिर में कोई दान नहीं दिया है, ना ही शाहरुख ने इसको लेकर कोई वीडियो जारी किया है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी खबर है कि शाहरुख ने भी दान दिया हो। शाहरुख के बारे में जितना भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने राम मंदिर में दान दिया है वो अभी तक सरासर झूठा है, इसलिए शाहरुख के दावे पर यकीन मत कीजिएगा। हालांकि बाकी इतने सुपरस्टार हैं जिनके नाम हमने आपको बताए हैं, हाँ उन्होंने जरूर दान दिया है, लेकिन शाहरुख का दान अभी तक पता नहीं चल पाया है उन्होंने क्या दान दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शाहरुख खान क्या दान देते हैं या फिर नहीं। वैसे आप कब दान करने वाले हैं और क्या है आपको उम्मीद थी कि राम मंदिर के लिए इतने लाखों और करोड़ों का दान पूरी दुनिया से आएगा। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भगवान श्री राम के लिए एक बार जय श्री राम लिखकर खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।